अशोक बौद्ध बलिदासपुर पीसीएस पीसीएस अधिकारी साहब उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा, ताकि पता चल जाए पूरे देश में कि हमारे समाज में पीसीएस अधिकारी बहुत मौजूद है और बहुत है और उनको आगे आना चाहिए। अगर आप आगे उनके बहुत बहुत समय सबसे पहले बाबा साहब के पास जाएंगे और इनको जो है सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सब लोग यहां से घर तभी जाना जब बाबा साहब के पास तक पहुंच के ही जाना, जब जाना तब तक कोई चाहे भूखे हो चाहे प्यासे हो चाहे जैसे हो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ भाई अंकित जी, क्या नाम है? अशोक, अशोक बोध जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और आप लोगों को थोड़ा समझाएंगे। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर, जिनकी आज प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हुआ है और उस अनावरण कार्यक्रम में मुझे जो प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारे बीच में दो महान हस्तियां भी मौजूद हैं, एक भीम आर्मी के प्रतिनिधि प्रवल जी हैं, बाकी जिला पंचायत सदस्य साहब इनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, अम्बुज जी हैं। प्रवल जी को मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अशोक गौतम है और मेरे बारे में कभी अगर जानकारी लेनी हो तो चंद्रशेखर से पूछना, जो आपके आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने खड़ा किया है। मैं सहारनपुर में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लगभग 5 वर्ष तक काम किया है। कभी अगर जानकारी लेनी हो मेरे बारे में तो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, वैसे तो प्रवल भाई ने बहुत विस्तार में हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में आपको बताया और आज यह भी आपको आश्वस्त कराया कि इस गांव में जो बराहा देवी का गांव है इसमें जो परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना का जो अंजाम है वो आपको भविष्य में दृष्टिगोचर होगा और भविष्य में दिखाई देगा। बाबा साहब का जीवन संघर्ष मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है। मैं इस मिशन में पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहा हूं और बाबा साहब के जीवन की एक एक घटना, और न केवल बाबा साहब के जीवन की एक एक घटना बल्कि तथागत महामानव गौतम बुद्ध का जो धम्म है उसका हम लोग बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर प्रचार प्रसार करते हैं। परम पूज्य जो हमारे भंते करुणाशील राहुल जी हैं उनके सानिध्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को आगरा में, 18 मार्च क्यों? क्योंकि 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आए थे और 18 मार्च को जब बाबा साहब आगरा में आए थे तो उन्होंने आकर वहां कहा था, रुंधे हुए गले से कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, वरना ये समाज कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत छोटी सी घटना है, कहानी कह लीजिए उसको, जहां भी जाते हैं उसको शेयर करते हैं कि जैसे एक जंगल है छोटा सा और उस जंगल में कभी कभी आपने देखा होगा सागर में भी आग लगती है, पानी में भी आग लगती है और जंगल में भी आग लगती है, एक को दावानल कहते हैं एक को बड़वानल कहते हैं। तो जंगल में अचानक आग लग गई और जब जंगल में आग लगी तो वहां के जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु थे, जितने पशु पक्षी थे, वह सब वहां से भागने लगे। सब पशु पक्षी भाग रहे थे, जीव जंतु भाग रहे थे, लेकिन उसी जंगल में एक घोंसला, एक पेड़ की छोटी सी डाली पर घोंसला बनाने वाली नन्ही सी चिड़िया
उसने देखा कि इस जंगल ने हमें आश्रय दिया, इस जंगल ने हमें खाना दिया, इस जंगल ने हमको संरक्षण दिया, बरसात में इन्हीं पत्तों ने हमको बारिश से बचाया, और आज जंगल संकट में है। जब जंगल संकट में है तो क्या हमें संकट की दशा में इसको छोड़ के जाना चाहिए? तो उस चिड़िया ने क्या किया कि बगल में एक नदी बह रही थी, एक मिनट अभी ताली मत बजाइएगा, सुन लीजिए, उस चिड़िया ने कहा कि क्यों ना हम इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करें। वह चिड़िया बगल में एक नदी थी, उस नदी में दौड़ के उड़ के जाती है और अपनी नन्ही सी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाती है और उस जंगल की आग के ऊपर से आकर डालती है। लेकिन आप समझ सकते हो कि चिड़िया की चोंच कितनी बड़ी, कितना पानी आएगा और कैसे जंगल की आग बुझेगी। एक बंदर एक डाल पर बैठकर किनारे जहां पर आग नहीं थी वो तमाशा देख रहा था। उस बंदर ने ये कहा, आप लोग शांत रहे, बंदर ने कहा कि ऐ चिड़िया, ऐ बहन, तू क्या कर रही है? मैं इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। बंदर ने कहा तू पागल है, बंदर ने कहा तू पागल है चिड़िया, तू छोटी सी चिड़िया, तेरी छोटी सी चोंच उसमें कितना पानी आता है और उस पानी से तू इस जंगल की आग को बुझाएगी? तो उसने कहा कि हे बंदर भाई, अगर चाहो तो तुम हमारी मदद जरूर कर सकते हो, लेकिन मुझे अपने काम में रोको मत, टोको मत, मुझे तो जंगल की आग को बुझा के ही दम लेना है, और इस बुझाते बुझाते आग को चाहे मैं स्वयं क्यों न जल जाऊं, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं इस जंगल को जलते हुए नहीं देख सकती। बंदर को लगा कि नहीं, ये तो पागल है, और छोड़कर चला गया। बगल से एक हाथी गुजर रहा था, मतवाला हाथी, उसने भी वही प्रश्न किया कि ये बहन, ये चिड़िया, तू क्या कर रही है? तो उसने कहा, हे गजराज, हम और आप सभी इस जंगल में रहे हैं और सभी ने इसी जंगल से आश्रय पाया है और आज जंगल संकट में है, तो क्या हम सबका ये दायित्व तो नहीं बनता है? बाकी सारे पशु पक्षी भाग गए, चले गए छोड़कर, लेकिन जंगल जल रहा है। हाथी ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, और उसने चिंगाड़ लगाई और हाथियों का पूरा झुंड आया और नदी से पानी भरा अपनी सूंड में और जाके जंगल के ऊपर जब उड़ेला है तो उस जंगल की आग बुझ गई, और जब जंगल की आग बुझी तो चिड़िया को बहुत सुकून मिला, और जब चिड़िया को सुकून मिला तो चिड़िया ने कहा उस बंदर को देखकर कि हे बंदर, हे मेरे भाई बंदर, तू देख, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को गौर से सुनना, कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा और हमारा नाम उस मेहनत कश में, उस जंगल को बचाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं अपने प्रवल भाई के लिए कहना चाहता था, ये रूपरेखा मैंने इसलिए बांधी है कि जब भी भारतवर्ष में संविधान को लेकर, बाबा साहब के सपनों को लेकर जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो भीम आर्मी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये जंगल की आग की तरह, जिस तरीके से जंगल जो आज हमारा भारतवर्ष है और जिस उस जंगल में जिस तरीके से हमारा समाज जल रहा है, उस समाज को जलने से बचाने के लिए ये कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हमारी चंद्रशेखर भाई से बात होती रहती है बीच बीच में, और बाबा साहब का जो संघर्ष है, जो बाबा साहब का संघर्ष है, जो उन्होंने कहा है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने उसको गलत कर दिया। बाबा साहब ने शिक्षित बनो की बात कभी नहीं कही, ये ध्यान रखना, खासकर हमारी जो बच्चियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाबा साहब ने कहा एजुकेट, यानी कि शिक्षित करो, बी एजुकेट नहीं कहा है। बहुत ध्यान से समझना, एजुकेट और बी एजुकेट में बहुत बड़ा अंतर है। आप शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए,
आपने खूब पैसा कमाया, गाड़ी घोड़ा बंगला घरों में, और घरों में क्या है, वही तीज त्योहार, वही करवा चौथ का व्रत, वही आडंबरवाद, वही देवी जी की पूजा। जब तक आप देवी जी की पूजा में विश्वास करेंगे तो बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं का क्या होगा, बाबा साहब का उस बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का सपना कैसे साकार होगा, उस भारत वर्ष को बौद्ध में बनाने का स्वप्न साकार तो तभी होगा जब हम और आप इस आडंबर से बाहर निकलेंगे। किसी ने कभी ने कहा था ना कि गुजारी बाप दादो ने जरा वो जिंदगी सोचो, गुलामी की दशा में क्या दशा थी गंदगी सोचो, कुएं के पास में प्यासे गए तो मार खाते थे, जमाने से अलग हम लोग अपने घर बसाते थे। हुए अन्याय जो हम पर उन्हें तुम भूल मत जाओ, और सोच तो होश में आओ, न खुद में और न अपनी जात में तुम कोई फर्क आने दो, जगे जो लोग हैं उनको औरों को भी जगाने दो। और एक चीज और कहूंगा, ये ध्यान रखना कि कोई भी तीज त्योहार, कोई भी देवता, ये भी एक चार लाने पंक्तियां हैं कि आहों से पत्थर पिघलेगा तुम इस धोखे में मत रहना, और कोई तुम्हारा कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा तुम इस धोखे में मत रहना, कोई तुम्हारा कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तुम्हारे केवल एक छलावा हैं, और छप्पर फाड़ के धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना, कोई तुम्हारा कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना। बहुत लंबा है ये, हम नहीं कहना चाहते, आपका समय नहीं लेना चाहते बहुत ज्यादा, लेकिन बाबा साहब का जो परित्याग है, बाबा साहब का जो संघर्ष है, उन्होंने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी है, अगर मैं उसको सही तरीके से, मैं दावा करता हूं, अगर मुझे एक घंटे आपके बीच में बोलने को मिल जाए तो आधी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। बाबा साहब का जो परित्याग है और बाबा साहब का जो संघर्ष है, जिस व्यक्ति ने आपके अच्छे कपड़ों की खातिर, जिस व्यक्ति ने आपके अच्छे संस्कारों की खातिर अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दे दी, उस महापुरुष के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बाबा साहब को आज कितना मान रहे हैं? बाबा साहब के बारे में लोग ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनको ABCD पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब जैसा विद्वान, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि डिकेड्स के पीरियड में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान अमेरिका यूनिवर्सिटी में नहीं आया। बराक ओबामा जिसको कहते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य की उपाधि देता, वो सन के राइज है। ऐसे महान विद्वान को हमारे भारत में कितना सम्मान मिला, और सम्मान कौन देगा? हम किसी बाहरी व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारा व्यक्ति बाबा साहब को सम्मान नहीं देगा? क्या आप सम्मान नहीं देंगे? अगर आज प्रबल भाई ने आपसे यह आश्वासन लिया है, आपसे इन्होंने वचन लिया है कि यहाँ पर अगर मसीहा की हमारे मूर्ति स्थापित हुई है तो इस मसीहा की मूर्ति पर प्रत्येक दिन एक मोमबत्ती जरूर जलेगी, और आप लोगों का दायित्व है, हमारी खासकर माताओं बहनों का दायित्व है कि इस कड़ी को टूटने मत देना। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर अपने आप ने अपने बच्चों को शिक्षित किया तो आप अपनी पीढ़ी को सुधारेंगे, और पीढ़ी को जब सुधारेंगे तो मेरे जैसे ऑफिसर भाई प्रबल जी जैसे जो समाज के क्रांतिकारी पुरुष हैं वो घरों में पैदा होंगे, आप ही लोगों में से पैदा होंगे, हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम ही लोगों में से पैदा होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना पड़ेगा। महामानव महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिन्होंने पंचशील की बात कही, जिन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को न तो कभी ये कहना चाहिए कि वो चोरी करें, न कभी कहा कि किसी की जीव हिंसा करें, ना कभी कोई व्यभिचार करें, ना मांस मदिरा का सेवन करें, और ना ही अन्य कोई ऐसा कृत्य करें जो कि उनके विकास में बाधक हो। हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से बाबा साहब के स्वप्न को साकार करें, तभी आज इस मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, आदमकद जो हमारे बीच में प्रतिमा बाबा साहब की प्रतिस्थापित हुई है, तभी ये फलीभूत होगी। बस मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार सब मेरे साथ नारा लगाएंगे क्रांतिकारी, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। थैंक्स लॉट। सर्वप्रथम
बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में फूल अर्पित करते हुए और यहाँ पर सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें आदरणीय भाई बहन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भीम। आज यहाँ पर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति स्थापना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चंद वाक्यांशों के साथ आपको संबोधित करना चाहूंगा। मैं समझता हूं बाबा साहब जैसा मसीहा जो भारत की भूमि पर जन्म लिया, मैं नहीं समझता ऐसा मसीहा फिर कभी इस धरती पे इस देश में कभी भी देखने को मिलेगा। कई लोग यह समझ बैठते हैं, ये समझने की भूल कर देते हैं कि बाबा साहब किसी वर्ग के हैं, किसी समुदाय के हैं। बाबा साहब किसी वर्ग समुदाय किसी जाति किसी धर्म के नहीं है। बाबा साहब देश के हैं, बाबा साहब दुनिया के हैं। जो सत्ताधारी सरकार बैठी है तानाशाही रवैये से बाबा साहब के मिशन में बाधा अर्चन के रूप में बैठी हुई है, उनको मैं कह दूं आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जाति मकान है किराएदार थोड़ी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी को यह समझने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती है कि बाबा साहब ने आखिर किया क्या। कई भाई बहनें सवाल कर बैठते हैं आखिरकार बाबा साहब ने किया ही क्या। उनको यह बता दो, हमको हंसी आती है कि बाबा साहब का जो कार्य है वो किसी भी एक क्षेत्र में नहीं है। आप विषयों का नाम लीजिए, उस विषय में बाबा साहब का योगदान है। चाहे हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बात करें, चाहे हम श्रमिक राइट्स के ऊपर बात करें, चाहे हम देश के संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे की बात करें, या चाहे हम निचली जाति के उत्थान के लिए बात करें, हर इन बिंदुओं में बाबा साहब की एक ऐसी भूमिका रही है। मैं नहीं समझता इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो हमारे समाज में जन्म लिया और उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पिताश्री ने अभी अपने व्यक्तित्व में कहा कि अगर बराक ओबामा ने ये कहा कि हमारे देश में पैदा होते तो हम इनको सूर्य की तरह नवाज दे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इन्होंने जिक्रान किया। बाबा साहब के पास तीन तीन डॉक्टरेट की डिग्री थी। अगर हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देखें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देखें, वहां पर कोई भी ऐसा मसीहा नहीं है जिसकी प्रतिमा लगी हो। कोई ऐसा मसीहा नहीं है जिसकी प्रतिमा लगी हुई। जैसे आप उस विश्वविद्यालय में अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मसीहा की प्रतिमा है और वो है हमारे बाबा साहब अंबेडकर। तो ये है हमारे बाबा साहब। और हम सब जिस समुदाय से नाता रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, ये कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब आपको अगर कोई भी बदलाव लाना है तो वो बदलाव अपने अंदर लाइए, फिर वो आप समाज में फिर ऐसा बदलाव कभी आएगा जब आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और अपनी अहम भूमिका के चलते आप अपने समाज में अपना योगदान देंगे और बाबा साहब आगे लेकर आखिर में
लड़ने वाले मेरे भीम थे, हम निचलों को चलाने वाले मेरे भीम थे, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। मैं यहाँ पर साधुवाद करना चाहूंगा जो सभी मंचासीन उपस्थित मेरे भाई बहन और भीम आर्मी जी के एक प्रबल नेता है। यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य भी मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं कि इनके सानिध्य में, इनके सबके समर्थन के साथ यह गांव नहीं, यह जिला नहीं, यह राज्य नहीं, पर यह देश नई ऊंचाइयां छुएगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं साधुवाद करना चाहूंगा यहाँ पर सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें जिन्होंने अपने घरों का काम छोड़ के ये चाहा कि हम आज बाबा साहब के बारे में जो बात हो रही है उनमें सुनने आए और उनको समझें। तो आप सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो ये समझते हैं कि हमको बदलाव लाना है। तो बदलाव लाने के लिए आपने एक पहल की, हम इसका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। एक बार जोर तालियां आप सबके लिए। और आखिर में ये कहा गया है बाबा साहब के सानिध्य में, केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा, सारे कांपे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि अभी खर्चे भी कर लेता है, दोस्तों को दारू पी लेता है, तो उसका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, और जब उसका बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ने का कारण सबसे बड़ा जो है अशिक्षित व्यक्ति हमेशा नल एंड बैड, यानी कि 500 रुपए कमाए तो 400 रुपए 450 रुपए उसमें खर्च कर दिया, ना उसको अपने घर का बहुत अच्छा ख्याल रह पाता है, ना उसके बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाता है। तो जो भाई भगवान ने जो कहा, जो दारू पीने वाली जनता है, शराब पीने की बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी के कारण व्यक्ति अपना सर्वस्व खराब कर देता है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। तो चलिए कभी और कोई कार्यक्रम करिएगा तो बुलाइएगा, तो हम आपके बीच आएंगे, और बहुत सारी बातें जो बुद्ध और धर्म से संबंधित है, और जो हम लोग एक अभियान चलाते हैं, और उसमें देवी कहते हैं कि हमारी माताएं लड़े हैं खड़ी हुई और लंबा लंबा घूंघट डाले, तो हमको इसके भी अभी हमसे कार्यक्रम चलाता है कि घूंघट आकर क्यों, घूंघट से आजादी क्यों नहीं, आपको घूंघट के आड़ में क्यों रहना है, आपको केवल श्रृंगार में क्यों रहना है। जब तक महिलाएं और लड़कियां घूंघट और श्रृंगार में रहेंगी तब तक बाबा साहब का मिशन कामयाब नहीं होगा। मैं नीवल का साथ बहुत बहुत धन्यवाद, इतने इतनी ध्यान से मिले, थैंक यू। कि लोग कहते हैं कि संविधान से